हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं केमिस्ट्री का कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले केमिस्ट्री का कुछ बेसिक्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और उसकी कहीं ना कहीं 10th में भी जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एटम के बारे में। तो अगर गाइस मैं बात करूँ एटम की, तो हम सभी को पता है सबसे पहले डाल्टन आए थे, डाल्टन ने एटम के बारे में दिया। उसके बाद जे जे थॉम्सन आए, उसके बाद रदरफोर्ड आए, उसके बाद नील्स बोर आए थे, उन्होंने एटम के बारे में एक्सप्लेन करते हुए चले थे। हालांकि इस बारे में हमने 11th क्लास में ही पढ़ना है, लेकिन एटम का मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देता हूँ। जो कि एटम का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है और बाहर होते हैं शेल्स। ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आप लोगों ने 9th क्लास में देखा होगा कि बीच में जो होता है ये प्लस सा दिख रहा है ना बीच में, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये बीच वाले को कहते हैं न्यूक्लियस। और जो ये किनारे किनारे ये गोल गोल से घेरे हैं, इनको कहते हैं शेल, या इनको एक और नाम से बोला जाता है जिसका नाम है ऑर्बिट, है ना। शेल जिसे रदरफोर्ड ने बोला था और ऑर्बिट कहीं ना कहीं नील्स बोर ने नाम दिया था। ओके, तो न्यूक्लियस और ये हो गया शेल या फिर ऑर्बिट। किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बच्चे ऐसा ही दिखता है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और एक होता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन। शेल्स के अंदर ये न्यूक्लियस जो है जहां पे प्लस साइन दिख रहा है, इसके अंदर एक तो प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है न्यूट्रॉन। और अगर मैं बात करूं शेल्स के अंदर, बच्चे शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज क्लियर हुई, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखेगा। बीच में होगा न्यूक्लियस और ये गोले 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 क्या होंगे? शेल्स होंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इन शेल्स के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, आगे बताओ। बेटा प्रोटॉन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग प्लस से भी दिखा देंगे। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चा नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको अपन लोग नेगेटिव से दिखा देंगे, इसको प्लस से, नेगेटिव से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को अपन लोग जनरली ई के ऊपर माइनस से शो करेंगे। मैं भी पूरी क्लास में इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही शो करूंगा, ई बनाऊंगा, उसके ऊपर माइनस बना दूंगा, बराबर। प्रोटॉन को शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये भी पॉइंट है भैया, नो चार्ज। या फिर इसको हम अंग्रेजी में एक और शब्द से बोल सकते हैं, चार्जलेस। क्या? चार्जलेस होता है ये, ई है ना, ये चार्जलेस। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो ये था गाइस एटम का स्ट्रक्चर था ये। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं इस बारे में, ठीक है ना। ठीक, तो गाइस जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो ये बाहर शेल्स होते हैं, इन शेल्स के अंदर ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ठीक है सर, आगे बताओ। तो कहने का मतलब ये है, जो भी किसी एटम का मास होता है, वो एटम का मास क्या होता है? मास नंबर, जिसको मैं बोल रहा हूं, इसको अपन लोग ना ए से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? ए से। जो एटम का मास होता है, चाहे वो बच्चे हाइड्रोजन का एटम हो, हीलियम का एटम हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, किसी का भी एटम हो, जो एटम का मास नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, वो बराबर होता है बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं जब भी पहली बार सुना तो मेरे दिमाग में एक बात आई, यार एटम के अंदर तो प्रोटॉन भी है, एटम के अंदर तो न्यूट्रॉन भी है, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी है, तो मास तो टोटल फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ के आना चाहिए था। तो यार तुम तो कह रहे हो कि मास नंबर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, यहाँ प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आना चाहिए था। दरअसल इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻³⁻³ होता है, −31। हालांकि इनका भी कोई ज्यादा नहीं होता, इसका होता है 1.67 और इसका होता है 1.672, आई थिंक इसका जस्ट पॉइंट बहुत कम होता है, इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का। तो कहने का मतलब क्या है? −27 kg। तो दोनों का मास भी बहुत कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, उसको अपन लोग मास उसका कंसीडर नहीं करते। तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हालांकि इस फॉर्मूले की हमें 10th में जरूरत नहीं पड़ेगी, 11th में पड़ेगी, लेकिन समझने में क्या जाता है, ठीक है सर, आगे बताओ। अब एक और चीज,
जो तुम्हें बताने वाली है यहाँ पे कि चलो ये न्यूक्लियस हो गया, शेल हो गया, ऑर्बिट हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, मास नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर हमने कैसे दिए होंगे। थोड़ा सोच के देखते हैं कि हाइड्रोजन को ही एक एटॉमिक नंबर क्यों दिया, हीलियम को दो एटॉमिक नंबर क्यों दिया, लिथियम को तीन दिया, कार्बन को छह दिया, आयरन को 26 दे दिया, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो थोड़ा चलते हैं कि ऐसे एटॉमिक नंबर दिए कैसे होंगे। दरअसल पता है हमने एटॉमिक नंबर कैसे दिए, हम लोगों ने ना कोई भी एटम पकड़ा, मान लो मैंने ये एटम पकड़ा, ये एटम मेरे हाथ में है ना, इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, हाँ साइंस पढ़ रहे हो, तो मैंने ये एटम पकड़ा, मैंने इस एटम को तोड़ा, अब मैंने इसका न्यूक्लियस खोला, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अभी बताया मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमने न्यूक्लियस खोला और न्यूक्लियस के अंदर देखा, अरे इसके न्यूक्लियस में अब कुछ प्रोटॉन भी होंगे और कुछ न्यूट्रॉन भी होंगे, हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन देखे, मैंने देखा इसके न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन है, अगर इसके अंदर दो प्रोटॉन है तो हमने इसका एटॉमिक नंबर दो बोल दिया। एक मिनट दोबारा, मैंने हाइड्रोजन को पकड़ा होगा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस खोला होगा, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन था, तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, एक। इसी प्रकार से हीलियम का एटॉमिक नंबर दो क्यों है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन है। अच्छा, मतलब इसका मतलब अगर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है तो ब्रोमीन के न्यूक्लियस के अंदर 35 प्रोटॉन है। हाँ बच्चा, एटॉमिक नंबर जैसी कोई चीज नहीं होती है, एटॉमिक नंबर हमने किसे बोला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां पे मैं एक और लाइन लिख सकता हूं, एटॉमिक नंबर जिसको अपन लोग आगे क्लास में जाकर 11th में जाएंगे तो अपन लोग जेड से डिनोट करेंगे, तो इसे जेड से। एटॉमिक नंबर होता है बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किसे बोला जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कोई बड़ी बात नहीं है, एटॉमिक नंबर जैसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है, लगाया नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उनको हमने क्या बोल दिया, एटॉमिक नंबर, खत्म। तो ये था एटम के बारे में, ये एटॉमिक नंबर के बारे में। यहाँ पे तुमने बेसिक चीज देखी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आगे बढ़ते, अब यहां से अपन लोगों को क्या पता होना चाहिए, यहां से हम लोगों को ना 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, 20 तक तो पक्का याद होने चाहिए, आओ याद कर लेते। मैं उम्मीद कर रहा हूं वैसे अक्सर आप लोगों को याद होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ओके, कॉपी और पेन लेके बैठे हैं ना, मैं उम्मीद करो नोट्स तो बना ही रहा हूँ, कोई ऐसा बेवकूफ तो होगा नहीं जो नोट्स नहीं बना रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, कहने वाली बात थोड़ी है। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं कभी भी एटॉमिक नंबर बोलूं, अगर मैं कहूं एटॉमिक नंबर, तुम क्या समझना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर हो गया यहाँ पे एलिमेंट का नेम हो गया, और यहां पे क्या हो गया, उसका सिंबल। तो गाइस अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, एटॉमिक नंबर 1 सबको पता है हाइड्रोजन, मैंने पहले ही कहा ये बेसिक है, केमिस्ट्री का बेसिक है, पहले मैं एटम 20 तक एटॉमिक नंबर के बारे में बताऊंगा, आप लोग एटम्स के एलिमेंट्स के नेम बताऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, उसके बाद वैलेंसी, ये बेसिक बताऊंगा, इतना आप लोगों को आना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। ओके, तो एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। एटॉमिक नंबर 2 इज हीलियम, इसका सिंबल होता है Hg। एटॉमिक नंबर 3 इज लिथियम, इसका सिंबल होता है Li। बेटा याद रखना, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल आता है, पहला लेटर हमेशा कैसा आता है, कैपिटल आता है, और उसका अगला जो होता है वो स्मॉल आता है, अगला कैसा आता है, स्मॉल आता है। ओके, फोर्थ इज बेरिलियम, दैट इज Be। 5 is boron, B6 carbon, C7 nitrogen, and 8 oxygen। साथ साथ लिख रहे हो, मैं जानता हूं आप लोगों को याद है तो आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। 9 फ्लोरीन, F10 नियॉन, Ne11 that is sodium, Na12
12 मैग्नीशियम। मेरी राइटिंग धीरे धीरे गंदी होती जा रही है ना। तो Mg 13 मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, दैट इज Al। ओके 13 तक ये हो गए और अगले मैं 7 इसको रफ करके बनाने वाला लिखने वाला हूँ दोबारा। ओके तो अगले 7 अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये लिख लिया होगा। ओके एल्यूमिनियम तक अपन लोगों ने लिखा था, एल्यूमिनियम के बाद क्या था 14 सिलिकन, 14 14 दैट इज सिलिकन, सिलिकन Si। 15 फास्फोरस दैट इज पी, 16 सल्फर दैट इज एस, 17 क्लोरीन दैट इज सी एल, 18 आर्गन दैट इज ए आर, 19 दैट इज पोटेशियम के, एंड 20 कैल्शियम सी। ओके 20 तक आप लोगों को याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये आपको एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। और एक और चीज आप लोगों को ना, किसी किसी का मैं मास बता देता हूँ, है ना, किसी किसी का मैं मास बता देता हूँ, 2-3 का मास बताऊंगा, इनका मास याद कर ले। ओके यहाँ पे मैं कुछ मास बताऊँ, कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2-3 बताऊंगा जो काम के, मास, एटॉमिक मास। बच्चे अगर मैं बात करूं सबसे पहले कार्बन का, आप लोगों को पता होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है बच्चे 12 होता है, 12 यू, और अपन लोग ना AMU लिखते हैं। यू, यू क्या होती है, यूनिट, यूनिट है ना, 12 यू या 12 AMU। सर ये AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, या आप लोग 11th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कार्बन 12 यू और 12 AMU। सेकंड हाइड्रोजन, बच्चे हाइड्रोजन का मास भी आप लोगों को पता होना चाहिए 1U होता है। 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मास होता है 16U होता है, कितना होता है 16U। इन तीनों का मास याद करो, कार्बन का 12, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल हो रहा है, कार्बन का 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, मास कितना है 12, हाइड्रोजन का 1, 1, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, एक फील कराता हूं मैं तुम्हें एक बात। मैंने तुम लोगों को अभी क्या बताया, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है सर, मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, कुछ नहीं सर, एटॉमिक नंबर होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 यानी कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6, कार्बन का मास कितना है 12। अगर मास में से मैं प्रोटॉन घटा दूं तो न्यूट्रॉन नहीं आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर है ना, अभी के लिखवाया था, अभी लिखवाया था, और बेवकूफ तो तुम हो नहीं, नोट्स तो तुम बना ही रहे हो, तो तुम्हारी कॉपी में होगा, देखो ऊपर, देखो ऊपर वाली लाइन में लिखा है तुमने बिल्कुल। तो अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दूं मास नंबर से तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही निकल जाएगा, यानी कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है यानी उसके अंदर प्रोटॉन भी 1 है या उसका मास नंबर भी 1 है, इसका मतलब उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन होगा ही नहीं। तो यानी कि हाइड्रोजन इकलौता एक ऐसा एटम होता है जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस को, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, बराबर। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, खत्म, ये हो गया मास नंबर। ये 20 का एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, बराबर है, ठीक है सर। आगे बताओ, तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ध्यान से सुनना, ओके, तो मैं आगे बताने वाला हूं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आप समझते हैं, थोड़ा सा बाहर जाऊंगा मैं यहां पे, तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बताते हैं, हालांकि 10वीं तक जो हमें करेंगे 2-8-8 सबको पता है, ये 2-8-8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कन्फ्यूजन पता होगा, बेसिक आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ लिया तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन निकालने में उम्मीद कर रहा हूँ आपको आती होगी, नहीं आती मैं सिखा दूंगा, अभी सिखाने वाला हूँ। कक्षा 11वीं के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन होगी वो कुछ और होगी, है ना। तो 10वीं में हमें एक बेसिक से सिखाई जाती है जो सिर्फ 20 तक ही लागू होगी ना, 20 से आगे मत लगाना, इसको नहीं लगती है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन क्या बोलना है, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन ये बताती है, ये जो पहला शेल था हमारा, याद करो एटम का स्ट्रक्चर कैसा था, ये न्यूक्लियस था, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ऐसे चौथे शेल एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे एंड सो ऑन, बराबर है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो जो मैंने क्या बताया, ये शेल होते हैं, क्या होते हैं, शेल, शेल, या इनका एक और नाम था क्या, ऑर्बिट। इनको अपन लोग एन से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, शेल को अपन लोग एन से दिखाते हैं, छोटे एन से, है ना, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे ये पहला शेल है, पहला, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1। ये दूसरा शेल है, इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 2। ये तीसरा शेल है, इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 3। मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पहला शेल है, इसके लिए एन की वैल्यू 1, ये दूसरा एन की वैल्यू 2, तीसरा एन की वैल्यू 3, चौथा एन की वैल्यू 4, पांचवा एन की वैल्यू 5। ओके, इनकी नेमिंग, पहले वाले शेल को के शेल बोला जाता है, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन, ओ वी चलता रहता है, ठीक है ना, के एल एम एन ओ वी चलता रहता है, ये शेल नाम दिए गए हैं, पहले शेल को के, दूसरे को, ठीक है सर, आगे बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बताती है, पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है सर, आगे बताओ। दूसरे वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे वाले शेल के अंदर भी, अब देखो तुमने जो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है 2n का स्क्वायर 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी शेल के अंदर अगर तुम्हें देखना कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2n का स्क्वायर कर दो। पहले वाले शेल के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 2 2, तो पहले वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। दूसरे वाले शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8। दूसरे वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे वाले के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 9 × 18, यानी तीसरे वाले शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बराबर है, मैं जानता हूँ। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें करनी है, बहुत सिंपल तरीका है, पहले वाले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में एंड सो ऑन से करते रहना, बराबर है। लेकिन ये 20 तक ही लगाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आ जाएगी, बहुत ईजी है, करके देखते हैं, करके देखते हैं, ध्यान सुनो। ऐसे अगर मेरे पास पहला पड़ा है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर बच्चे कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं मैं बता देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन का ये एटम है, हाइड्रोजन का जो एटम है बच्चे, एटम के लेफ्ट साइड में नीचे, एटम के लेफ्ट साइड में नीचे उसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो लेफ्ट साइड में नीचे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, एक बात हमेशा याद रखना कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, जितना किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही उसके अंदर न्यूट्रल स्टेट में, जब तक उसने कहीं रिएक्शन नहीं करी है, जब तक उसने कहीं रिएक्शन नहीं करी है, जितना जिसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर है, इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। अब तुम कहोगे नहीं हमारे मास्टरों ने बताया था इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं, हाँ तो रिएक्शन करने के बाद बदलते हैं ना, जब तक वो न्यूट्रल स्टेट में, यानी कि उसने कहीं रिएक्शन नहीं करी है, तब तक उसके पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या भी होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, आगे बताओ। हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन, अब नियम क्या कहता है, पहले वाले में 2 होने चाहिए, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन ही 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 1, खत्म, खत्म। ऐसे हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, पहले वाले शेल में कितने आते हैं, 2, एटॉमिक नंबर 2, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, खत्म सर। ऐसे ही बच्चे लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो पहले वाले शेल में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी क्या बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, मैंने अभी बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 3 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, तो इसके अंदर पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और बाकी बचे कितने, 1, वो आ गया अगले वाले शेल में। ऐसे ही बच्चा बेरिलियम 4, 2, 2, ऐसे ही बोरॉन 5, 2,
तीन, ऐसे ही फिर मैंने बोरोन कार्बन छह, नास्तक नहीं, देखो दो कॉमा तीन छह, दो कॉमा चार। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले वाले शेल में दो, बाकी जितने बचे उसे अगले में डालते जाओ जब तक आठ पूरे नहीं होते। तो कार्बन हो गया, उसके बाद आगे कार्बन के बाद क्या आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सात, दो कॉमा पांच, आसान लग रहा होगा तो ऑब्वियस ही बात है। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आठ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आठ, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन पहले वाले शेल में दो, दूसरे वाले शेल में छह, आठ आठ उसका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आठ होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आठ ही होंगे, है ना, दो कॉमा छह। ठीक है सर, आगे बताओ, ऑक्सीजन की बात करें तो फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आठ नौ दो कॉमा सात, फ्लोरीन के बाद क्या आता है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है दस, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगी, नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होगी दो कॉमा आठ, पहले वाले शेल में दो, दूसरे वाले में आठ। अब यहां से गेम थोड़ा सा बदलेगा बच्चे, अगर मैं नियॉन का अगला चलू तो नियॉन का अगला होगा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है ग्यारह। अब इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन पहले वाले में दो दो आ गए, ठीक है सर, दो अगले वाले में आठ आएंगे, नौ मत कर देना बेवकूफो, क्योंकि नौ कर दोगे तो दूसरे वाले में तो आठ ही आ सकते हैं ना मैक्सिमम, तो दो और आठ कितने हो गए दस, और कितने बच गए एक बच गया ना, तो एक अगले में आ गया कितने हो गया ग्यारह, बराबर है, ठीक है सर। अब ऐसे ही मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर बारह दो आठ दो, आगे के खुद कर सकते हो बेवकूफो तुम। मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का तेरह दो आठ तीन, एल्यूमिनियम के बाद बोलो भाई सिलिकन फोर्टीन दो आठ चार, सिलिकन के बाद फास्फोरस पंद्रह दो आठ पांच, फास्फोरस के बाद क्या आता है सल्फर एटॉमिक नंबर सोलह दो आठ छह, सल्फर के बाद क्या आता है क्लोरीन एटॉमिक नंबर सत्रह दो आठ सात, देन आर्गन ए आर अठारह एटॉमिक नंबर दो आठ आठ, उसके बाद क्या आता है पोटेशियम हाँ उन्नीस दो आठ नौ कर दूं, नहीं यार आठ ही तो आते हैं मैक्सिमम, क्या बात क्या क्या आठ कर गया यार, दो आठ आठ एक बराबर है, ठीक है सर आगे बताओ। उसके बाद कैल्शियम एटॉमिक नंबर ट्वेंटी टू एट एट एंड टू, तो ये हमने सीखी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके आगे चल के हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन बदल जाएगी, इसमें आगे हम लोग देखने जा रहे हैं एक और चीज, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ओके सो गाइस उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन निकालने भी आप लोगों को आ गई होगी, है ना। उसके बाद लास्ट जो आज का मैं बेसिक का एंड करूंगा यहाँ पे वैलेंसी, और बच्चे वैलेंसी में ना बच्चा बहुत दिक्कत करता था कि वैलेंसी क्या होती है क्या होती है, एक बेसिक चीज है वैलेंसी के अंदर और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों में बच्चा कंफ्यूज होता है कि कौन क्या होता है। ओके तो ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज एक वैलेंसी होती है और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सिंपल बात हमेशा याद रखना, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाद में करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आसान है तुम खुद कर लोगे। वैलेंसी नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी, जिसे अपन लोग हिंदी में संयोजकता कहते हैं, संयोजकता वैलेंसी। देख भाई मेरी बात सुनो, एक साइंटिस्ट आए लुईस कौशल करके, है ना, जबकि उनके बारे में तो 11th क्लास में पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, लुईस कौशल करके एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने कहा हर एटम स्टेबल होना चाहता है, हर एटम क्या होना चाहता है स्टेबल, बिल्कुल होना चाहता है, हम लोग भी स्टेबल होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हर एटम स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने का मतलब क्या है, वो अपने आखिरी में, यानी कि हर एटम चाहता है कि ये कोई एटम बच्चे उसका ये पहला शेल हो गया, उसका ये दूसरा शेल हो गया, किसी भी एटम के आखिरी वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए उतने होने चाहिए। मतलब अगर कोई एटम है, मान ले दूसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम आठ आ सकते हैं, अगर मैक्सिमम इसके अंदर आठ आ सकते हैं तो वो ना क्या करना चाहेगा, वो आठ पूरे करना चाहेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, ताकि वो क्या हो जाए स्टेबल हो जाए। नहीं पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, मैं जानता हूँ पल्ले कुछ नहीं पड़ा, डेफिनेशन वगैरह बाद में लिखेंगे, एग्जांपल हो जाता हूँ पहले। स्टार्ट करते हैं सोडियम से, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, सिलिकन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। ओके इन एक इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करेंगे, ठीक इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करो,
अब तो मुझे लगता है किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 होंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11, जब तक इसने रिएक्शन नहीं कर रखी और इन्होंने नहीं कर रखी है। तो इलेक्ट्रॉन 11 को बांटना शुरू करो, पहले वाले में 2, दूसरे में 8, 2 8 10 होकर कितना बचा 1, 1 बचा बच्चे 1, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 तो ये सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आ गए, ये भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कर दी। एक सेकंड लेगा वैलेंसी समझाने में, ध्यान सुनना। वैलेंसी क्या होता है, हर कोई एटम चाहता है स्टेबल होना। स्टेबल होने से मतलब ये होता है उसके आखिरी में इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। देखो किसी के आखिरी में 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 चल क्या रहा है, किसी में 1 किसी में 2, ये स्टेबल होना चाहते हैं। ये चाहते हैं इनके आखिरी वाले शेल में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और तीसरा शेल है 8 आना चाहिए तो 8 आने चाहिए, लेकिन 8 नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये भटकते हैं। 8 पूरे करने के लिए ये भटकेंगे, जब तक भटकेंगे जब तक 8 नहीं हो जाते। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सोडियम को मैंने अपने पास बुलाया, मैंने कहा सोडियम भाई बात सुनो, सोडियम को दिक्कत क्या है, सोडियम के आखिरी में 1 है, सोडियम के आखिरी में क्या है 1, सोडियम भी क्या चाहता है इसके आखिरी में 8 हो जाए। रीजन बच्चा स्टेबिलिटी, रीजन क्या है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। अगर इसके आखिरी में 8 होते ना बच्चे, मेरी बात सुन, तुमने सुना होगा सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, सोडियम हाइड्राइड बनता है NaH, सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। कहने का मतलब क्या, ये सारे कंपाउंड बन क्यों रहे पता है, बन इसलिए रहे हैं क्योंकि सोडियम स्टेबल नहीं है। अगर सोडियम स्टेबल होता तो वो ये रिएक्शन करता ही नहीं, वो अपने आखिरी में 8 पूरे करने के लिए भटक रहा है जिसकी वजह से वो कंपाउंड बना रहा है। ये हमें लुईस कॉशल नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि भैया हर कोई चाहता है उसके आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये जब मैं आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ऑक्टेट थ्योरी पढ़ाऊंगा, ड्यूप्लेट थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके अंदर समझाऊंगा ये सारी चीजें। तो तुम्हें बताता कि क्या करते हैं ये, एक तो पता मैं भूल जाता हूं यार, हाँ सोडियम के आखिरी में क्या है 1, ये भी स्टेबल होना चाहता है तो ये क्या करेगा, इसके आखिरी में 1 है स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है तो ये क्या करेगा। अब इसके बाद 2 रास्ते हैं, पहला ये कहेगा कि कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, 1 इसके पास पड़ा हुआ है, 7 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे 8, है ना, कितना आसान है ये सुनना, कितना आसान है कहना, कितना आसान है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 दे दे इसको, कोई 7 और 1 8 हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन नहीं, 8 7 ऐसे साथ लेना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए, सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सोडियम कह रहा है यार देखो मेरे को स्टेबल होना है, 7 इलेक्ट्रॉन मैं ले नहीं सकता, मैं क्या कर सकता। देखो इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम किसी को दे दे, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम किसी को दे दे, तो अगर जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या बन जाएगी, 2 8, ये 1 किसी को दे दिया मान लो, इन केस दे दिया तो यहां पे 0 हो जाएगा। तो बच्चे अगर 0 हो गया तो 0 तो कोई शेल होता ही नहीं है, 0 तो कोई शेल, किसी शेल में 0 इलेक्ट्रॉन है तो वो शेल हम गिनेंगे नहीं, काउंट ही नहीं करेंगे, तो ये वाला शेल तो हट गया ऑलरेडी, बचा कौन सा, ये वाला। तो यानी कि सोडियम के आखिरी में कितने आ गए 8, कितने आ गए 8। दोबारा मैंने अभी तक वैलेंसी नहीं समझाई है, मैंने अभी तक वैलेंसी की डेफिनेशन नहीं बताई है, अभी नहीं बताऊंगा, अपने आप समझ जाओ। तो सोडियम के पास 2 रास्ते हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या क्या करे 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, और जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसमें हो जाएंगे 0, इसमें तीसरे में कितने हो जाएंगे 0, और इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या हो जाएगी 2.8, 2.8, और लुईस ने क्या बोला आखिरी में पूरे होने चाहिए। अब आखिरी में पूरे चाहे लेके हो या आखिरी में पूरे चाहे देके हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे तू इलेक्ट्रॉन लेके पूरे कर या तू इलेक्ट्रॉन देके पूरे कर, उससे मतलब नहीं है। तो ये क्या करेगा सोडियम बचा, ये बचा, क्या बचा, सोडियम क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मैंने कहा था मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे बनाऊंगा, है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। मैग्नीशियम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, मैग्नीशियम के आखिरी में 2 है, 8 पूरे कर ले, 6 ले ले, लेकिन 6 लेना मुश्किल हो जाएगा ना। अब देखो ना, देखा करो प्रोबेबिलिटी, देखा करो
छह ले ले, या एक काम करना, ये दो अगर किसी को दे देगा तो दो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो वाले को तो काउंट करते नहीं है, तो यहाँ पे जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, 2.8 खत्म। तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाँ मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आखिरी में तीन इलेक्ट्रॉन है, या तो ये तीन किसी को दे दे या पांच किसी से ले ले, आसान क्या है, आसान है तीन इलेक्ट्रॉन देना। तो ये बच्चा क्या करेगा, ये तीन इलेक्ट्रॉन दे देगा, पांच लेना मुश्किल है, पांच लेना मुश्किल, आसान क्या, आसान क्या, आसान क्या। सही है बेटा, जिसके आखिरी में चार होते हैं उसके लिए अलग कहानी है, इसीलिए कार्बोनेट्स कंपाउंडिंग पूरा चैप्टर बनाया गया है। तो जिनके आखिरी में चार होते हैं उनकी वैलेंसी चार ही, और वैलेंस क्या बोलते हैं, वो कुछ नहीं करते, उनको अपन लोग यहाँ पे चार ही लिखेंगे, या तो चार लेंगे या चार देंगे, वो हम देखेंगे, ना ही चार दे देना चार देते, लेकिन देखेंगे हम क्या करते हैं बाद में। अब इसके आखिरी में पांच इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच। अगर फास्फोरस के आखिरी में पांच इलेक्ट्रॉन है, अगर फास्फोरस के आखिरी में पांच इलेक्ट्रॉन है, तो पांच इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो पांच दे दे, पांच दे देगा तो इसमें जीरो हो जाएंगे, ये वाला आखिरी शब्द हो जाएगा, आठ हो गए पूरे, लेकिन या तो ये तीन इलेक्ट्रॉन ले ले, और अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो पांच और तीन कितने हो जाएंगे, आठ हो गए पूरे। तो यानी कि इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या तो पांच देगा, अरे बेवकूफ, पांच देना और तीन लेना, आसान क्या है, तीन लेके, कहने का मतलब क्या है भैया, आठ पूरे करने हैं, चाहे तू दे के कर चाहे तू ले के कर, आठ पूरे करने हैं। तो ये क्या करेगा, तीन ले लेगा, आठ पूरे हो जाएंगे, हो गया। लुईस कौशल ने बोला था कि भैया स्टेबल होने के लिए वो अपना आउटर मोशन पूरा भरेगा, भर दिया सूत्र ने। सल्फर, सल्फर के आखिरी में छह इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस सी बात है, छह इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि दो लेगा तो छह कितने हो जाएंगे, आठ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन। आर्गन क्या करेगा, ना तो गेन करेगा ना ही लूज करेगा, क्योंकि इसके आखिरी में आठ है, पूरे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, वैलेंसी क्या होती है, कोई भी एटम, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देता है या कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, दोबारा, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देता है या कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, उसी को वैलेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल, इट्स कॉल्ड बैलेंसी, इट्स कॉल्ड इट्स बैलेंसी। भैया हमने जीवन में एक ही डेफिनेशन याद कर रखी है, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देगा या कितने लेगा, और स्टेबल कैसे होगा, अपना आखिरी वाला शेल पूरा भर के, अपना आखिरी वाला शेल पूरा भरने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा या कितने लेगा, इसको क्या कहते हैं, बैलेंसी, खत्म खत्म। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों को वैलेंसी समझ में आ गया होगा, तुम सबकी वैलेंसी लिख सकते हो, कितने वो देगा या कितने वो लेगा उसको क्या कहेंगे, वैलेंसी। तुम रट्टा किसी की वैलेंसी नहीं मारनी बच्चे, तुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए। अगर तुझे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता, 2.1 है, बच्चे क्या करते हैं सबकी वैलेंसी याद कर लेते, सोडियम की वैलेंसी एक, मैग्नीशियम की दो, याद नहीं करनी, पागल है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुझे निकालनी आनी चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, बाकी तुम सब कर लोगे, एटॉमिक नंबर पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, अब देख अपना दिमाग लगा, देना आसान है या लेना आसान है साला, अब साला तो देना आसान है लेना आसान है। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो जितने लूज कर रहा है जितने गेन कर रहा है वो क्या उसकी वैलेंसी है, बाकी इतना आसान था मतलब, ठीक है ना, इसको नोट कर लो, कुछ सवाल दे देता हूं तुम्हें वो कर लो, वैलेंसी तुम निकाल ही लोगे, मैं जानता हूं वैलेंसी तुम निकाल ही लोगे, तो मैं वैलेंसी यहां से मिटा देता। तो तुम वैलेंसी समझ गए, वैलेंसी समझ गए, नोट कर लिया होगा तुमने। तो वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल, इज कॉल्ड वैलेंसी, खत्म। आगे मेरी बात को ध्यान सुनना, आओ आओ सर से मिटा क्यों नहीं रहे हो बेटा, काम है इसका भी, 2.5 आओ अब मेरी बात सुनो, कुछ सवाल मैं यहां पे दे रहा हूं तुम्हें, इनकी वैलेंसी बताओ क्या होगी। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है बच्चा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, के 6 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 6 अगर इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, पहले वाले शेल में 2, दूसरे में क्या आएंगे, 6 में से 2 गए कितना बच गया, 4, अगले में 4, बेटा जिसके आखिरी में 4 आता है उसकी वैलेंसी 4 ही होती है ना, तो सर ये क्या करता है, 4 देता है 4 लेता है, बेटा ना ही 4 देता है ना ही 4 लेता है, 4 चैप्टर में पूरा समझाऊंगा क्या करता है ये, है ना।
तो अभी बस इतना याद रख, जिसके आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंसी कितनी होती है, चार ही होती है, टेंशन ना ले। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, आठ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आठ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पहले वाले शेल में आते हैं दो इलेक्ट्रॉन, आठ में से दो गए बचे छह, अगले में आएंगे छह, तो ये हुआ छह, ये छह, ये छह। अब बताओ क्या होगा, ये छह दे देगा, ऑब्वियस सी बात है छह इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, दो दे देगा, तो ये क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने लेता है वही उसकी क्या होती है वैलेंसी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, दो वैलेंसी हो गई उसकी। और हाँ, अभी कुछ बच्चे दिमाग में लगा लेंगे, हमने पढ़ा था माइनस दो प्लस दो ना, वी क्लास में पढ़ाया था मास्टर ने, है ना, माइनस वन प्लस वन है बेटा, हाथ जोड़ के बिनती है, दिमाग ज्यादा ना लगाओ, काफी हो जाएगा इससे। हाँ मैं जानता हूँ माइनस प्लस तुम क्या कह रहे हो, लेकिन दसवीं क्लास में बैलेंस वैलेंस में हमें सिंपल एक कंपाउंड बनाना पड़ेगा, उसमें हो जाएगा। आगे आगे कोई भी, जैसे कि पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, पहले वाले में दो, 19 में से दो गए बचे 17, 17 में से अगले वाले में आठ, आठ और आठ और दो कितने हो गए 10, 10 अगले में आठ एक और आ जाएगा, कितने हो गए 18 हो गए ना, और कितना 19, तो अगले में कितना आएगा एक, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको कोई साथ देगा, साथ तो नहीं देगा सारा, ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर ये एक दे देगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी एक। इसी प्रकार से आप हर किसी की वैलेंसी निकाल सकते हो, हर किसी की वैलेंसी निकाल सकते हो। वैलेंसी क्या होता है, लास्ट दोबारा बोल रहा हूँ, अब तुम्हें एक काम करना है, क्या करना है, जब वीडियो खत्म हो जाएगी तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर एक से लेकर बीच तक सबकी वैलेंसी लिखनी है अपने आप। क्या करना, एक कॉलम एटॉमिक नंबर का बनाना, यहाँ पे एलिमेंट का बनाना, यहाँ पे सिंबल का बनाना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखना कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, ओके। और अब मैं तुम्हें लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक्स के अंदर, जो कि है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नंबर दे, इसे बोलते हैं लास्ट वाला, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, तीसरे वाले शेल में ना, पहला दूसरा तीसरा शेल, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा। जैसे कि देख यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी पोटेशियम की, दो आठ आठ एक, यही होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चा, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दो आठ आठ कॉमा एक। कैल्शियम की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, दो कॉमा आठ कॉमा आठ कॉमा दो, यही होगी। ऑब्वियस सी बात है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जाता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, यानी कि आखिरी वाले शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। हाँ यार, आखिरी वाले शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसको आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे बाहर वाला है, सबसे बाहर वाला है, तो सबसे बाहर वाले को आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, या फिर उसको प्यार से क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, आखिरी वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, आखिरी वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सोडियम के आखिरी में कितने हैं एक, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए एक। मैग्नीशियम के आखिरी में कितने हैं, यहां लिख देता हूं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझदार तुम लोग बहुत हो, तो मैग्नीशियम के आखिरी में कितने हैं दो, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दो। एल्युमिनियम के आखिरी में कितने हैं तीन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन, चार। इसके आखिरी में पांच है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पांच। इसके आखिरी में छह छह, सात सात, आठ आठ, एक एक, दो दो। कहने का मतलब क्या है, आखिरी वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या कहेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। खत्म। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और स्टेबल, बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, एक सवाल कर देते हैं इसी बात पे। मान लो हमारे पास दे दिया क्वेश्चन, कहता है फास्फोरस, फास्फोरस के बारे में कह रहा है, कह रहा है क्या क्या निकालो, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा कहता है वैलेंसी बताओ इसकी क्या होगी, और तीसरा कहता है वैलेंस, कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता, खुद कह सकते हैं हम लोग।
फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आंसर, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 15 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले वाले शेल में दो आएंगे, 15 में से दो गए, कितने बचे 13। अगले वाले शेल में 8 जाएंगे, 2 8 10 हो गए, कितने बचे 15 होता है ना, हाँ 5 बचे ना, तो अगले वाले में कितने आएंगे 5, 2 8 5, ये क्या होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके सेकंड क्या निकालनी है, वैलेंसी। बच्चे तुझे रट्टा नहीं मारना किसकी वैलेंसी क्या होती है, किसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तुझे बस एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तेरे को एटॉमिक नंबर पता था, फास्फोरस का 15 होता है, तूने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद निकाल दी, अब उसकी वैलेंसी खुद निकाल ले। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है कि आखिरी वाले शेल में देखो इलेक्ट्रॉन में ये क्या करेगा, इसको स्टेबल होना है, इसके आखिरी में 5 पड़े हुए हैं, या तो ये 3 किसी से ले ले या ये 5 किसी को दे दे। तुझे क्या लगता है आसान क्या है, 3 लेना या 5 देना? ऑब्वियस सी बात है, कोई गधा भी बता देगा 3 लेना, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 है ना। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी वाले शेल में, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके आखिरी में कितने 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। खत्म 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 खत्म, बराबर है। तो यहां पे हमारा 10th क्लास का केमिस्ट्री का बेसिक्स खत्म होता है, यहां से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब आगे। ओके मैं पूरे सिलेबस की वीडियोस डालता रहूंगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि एंड तक जितना भी हमारा 10वीं क्लास का सिलेबस जाएगा, चाहे वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है या बायोलॉजी है 10वीं की, तो उसकी मैं वीडियोस लगातार डालता रहूंगा। ओके बाय।